G20 से पहले वर्ल्ड बैंक ने बांधे भारत की तारीफों की बोल, कहा 50 साल का काम 6 साल में किया। मुझे हिंदू होने पर गर्व, G20 भारत के लिए बड़ी सफलता, नई दिल्ली पहुंचने पर बोले पीएम सुनक। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के जगन्नाथ से की मुलाकात। मोदी बाइडेन के बीच 77 मिनट बातचीत, रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने पर जोर। भारत अमेरिका की पार्टनरशिप आज इतनी मजबूत कभी नहीं थी, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बाइडेन बोले। भारत की धरती से सुनक का खालिस्तान समर्थकों को कड़ा संदेश, बोले उग्रवाद को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करूंगा। भारत की विदेश नीति से गदगद है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कई बातों पर पीएम मोदी की खूब तारीफ। पाक में मारा गया एक और भारत विरोधी टॉप आतंकी, अज्ञात हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। अब देवगौड़ा की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा, जेडीएस लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी, कर्नाटक की 4 सीटें दी। शरद पवार बोले अजीत का अध्यक्ष बनना गैर कानूनी, इलेक्शन कमीशन को बताया मैं ही एनसीएफ चीफ, अजीत ने कहा बहुमत हमारे पास। ज्ञान वापी पर मुस्लिम पक्ष को फिर झटका, एएसआई सर्वे 4 हफ्ते और चलेगा। नेक्स्ट, कश्मीर में हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। यूरोप दौरे पर राहुल गांधी बोले भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला। विपक्षी नेताओं को महत्व नहीं देती मोदी सरकार, G20 डिनर में खड़गे को इनवाइट न करने पर भड़के राहुल गांधी। पीएम मोदी बोले G20 शिखर सम्मेलन से हम मानव केंद्रित विकास का एक नया मार्ग करेंगे प्रशस्त। विधानसभा उपचुनाव, त्रिपुरा और उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में एसपी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और झारखंड में जेएमएम की जीत। नेक्स्ट, लाइव यूएस ओपन, भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू की जोड़ी डबल्स फाइनल में हारी।